हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक टॉपिक जो कि 2014 में मेंस एग्जाम में पूछा गया था बिहार के, वो बताने जा रही हूँ। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में आक्षेप के संबंध में प्रावधान करता है। तो न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्ति कैसे की जा सकती है, इसके बारे में जो इसका सेक्शन 21 है वह बताता है, जिसमें पहला खंड क्या कहता है कि वाद लाने के स्थान के संबंध में कोई भी आक्षेप, किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर और उन मामलों में जिसमें कि विवादक स्थिर किए जाते हैं ऐसे स्थिरीकरण के समय या उससे पहले न किया गया हो और जब तक कि जिसके परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता नहीं हुई हो। मतलब क्या कहता है कि अगर बात के लाने के स्थान के संबंध में कोई आपत्ति की जाती है तो आपत्ति कब की जाएगी। तो कह रहा है कि आपत्ति जो है अगर विवादक स्थिर होता है ऐसे मामले में, तो अगर विवादक स्थिति होता है, फैक्ट इन इश्यू बनाया जाता है, तो विवादक के स्थिरीकरण के समय करना चाहिए या उसके पहले करना चाहिए। आइए देखिए प्रावधान क्या कहता है। कि कहता है कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार या अधिकारता के संबंध में, न्यायालय का जो जुडिक्शन है उसके संबंध में अगर कोई आपत्ति या आक्षेप से संबंधित कोई प्रावधान जो संहिता की धारा 21 में उपबंधित है। धारा 21 के अनुसार यदि किसी न्यायालय में वाद लाने के संबंध में कोई भी आक्षेप या किसी न्यायालय की अधिकारता की धन संबंधी परिसीमाओं के आधार पर, किसी भी धन संबंधी परिसीमाओं के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई भी आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय या जो है कह रहा प्रथम बार के न्यायालय कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंसेंट में इंस्टेंट में उठाया जाना चाहिए। ऐसा आक्षेप सर्वप्रथम अवसर पर उठाया जाना चाहिए जिन मामलों में विवादक स्थित किए जाते हैं और जहां ऐसा आक्षेप विवादक स्थिरीकरण करने के समय या उससे पहले उठाया जाना चाहिए। किंतु अगर ऐसा प्रश्न प्रथम बार के न्यायालय में नहीं उठाया गया है तो ऐसे आक्षेप पर विचारण का अधिकार सामान्यतः अपील या पुनरीक्षण न्यायालय को नहीं होगा जब तक कि परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता नहीं हुई है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई मामले में विवादक स्थित होता है तो वाद लाने के लिए कोई आक्षेप उठाया जाना है तो विवादक स्थित करने के समय उठाना चाहिए या स्थित करने के पहले ही उठाना चाहिए, उसके बाद नहीं उठाया जाना चाहिए। अगर कोई आक्षेप नहीं उठाया गया है तो अपील या पुनरीक्षण के मामले में उसे नहीं उठाया जाएगा, तब तक नहीं उठाया जाएगा जब तक न्यायालय की राय होगी, न्याय नहीं हो पाया है तभी उठाया जाएगा वरना नहीं उठाया जाएगा। एक केस आई थी कि जिस विषय पर निर्देशक वाद है RSD फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्री बल्लभ ग्लास वर्क लिमिटेड, AIR 1993 SC का है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर अधिकारता संबंधी आक्षेप अपीली न्यायालय में लाया जाता है, उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था कि अगर अधिकारता संबंधी आक्षेप अपीली न्यायालय में लाया जाता है तो धारा 21 में तीन शर्तें पूरी करनी आवश्यक है। कह रहा है कि अगर अधिकारता संबंधी आक्षेप धारा 21 में लाया जाता है तो कहता है कि तीन शर्तें पूरी करनी आवश्यक है। अगर इसमें से कोई नहीं पूरी होती तो आक्षेप अपीली स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। धारा 21 की तीन शर्तें क्या है? पहला कहता है वाद लाने के स्थान के संबंध में कोई आक्षेप हो। अगर वाद लाने का स्थान के संबंध में कोई आक्षेप है सबसे पहले ये होगा, फिर धन संबंधी परिसीमाओं के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप हो। कहता है कि धन संबंधी उसकी जो परिसीमा है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में जो धन संबंधी परिसीमा है लिमिटेशन है उसके संबंध में मैंने पहली पिछली वीडियो में बताया है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर पिछली वीडियो देख लीजिएगा कि कौन कितना किसकी अधिकारता होती है। कह रहा है कि अगर धन संबंधी परिसीमाओं के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप है, तो फिर तीसरा कहता है कि
किसी निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप है तो कह रहा है कि जो 21 है इसकी तीन शर्तें हैं कि पहली शर्त क्या है, वाद लाने के स्थान के संबंध में कोई आक्षेप हो। दूसरी है कि धन संबंधी परिसीमाओं के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप हो। और तीसरा कहता है किसी निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप हो। कह रहा है कि उपरोक्त सभी आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव प्रथम अवसर पर, कह रहा है कि कोई भी आक्षेप है तो क्या कराया जाएगा, प्रथम बार का जो न्यायालय है उसमें यथासंभव प्रथम अवसर पर ही उठाया जाएगा। दूसरा क्या कहता है, उन सभी मामलों में जिसमें कि विवादक स्थिर किए जाते हैं वहां स्थिरकरण करने के समय या उससे पहले किया जाना आवश्यक है। मतलब क्या कह रहा है कि वाद कैसे उठाया जाएगा, तो कहता है कि प्रथम बार का जो न्यायालय है उसी में उठाया जाएगा और सर्वप्रथम ही उठाया जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि अगर उन मामलों में फैक्ट इन इशू बनाए जाते हैं तो फैक्ट इन इशू बनाते समय या उसके पहले ही उठाया जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि ब ऐसी डिग्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील पारित करता है इस आधार पर कि सूरत के न्यायालय को वाद के विचारण की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी। यहाँ प्रथम दृष्टिया या प्रतीक होता है कि उच्च न्यायालय को आक्षेप स्वीकार कर लेना चाहिए और अपील को मंजूर कर लेना चाहिए, परंतु नियम या विधि इसके विपरीत है। जहाँ यद्यपि आक्षेप न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से संबंधित है, उच्च न्यायालय ऐसे आक्षेप को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि नियम बताता है ना कि प्रथम अवसर पर और जो क्या कहते हैं कि प्रथम अवसर पर न्यायालय में और प्रथम अवसर पर आक्षेप उठाया जाएगा। दूसरा कहता है कि अगर विवादक स्थित होता है तो विवादक स्थित करते समय या उससे पहले उठाया जाना चाहिए। अपील या पुनरीक्षण के मामले में कोई भी आक्षेप नहीं उठाया जाएगा, लेकिन कह रहा प्रॉब्लम में कि ब डिग्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करता है और फिर क्या कहता है कि सूरत के न्यायालय को वाद का विचारण करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी। यहाँ पे प्रथम दृष्टिया तो प्रतीक होता है कि हाईकोर्ट क्या करेगा, अपील को जो है एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यह नियम के विपरीत है कि यहाँ पे जो आक्षेप है वह जो है उसके द्वारा कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ यद्यपि आक्षेप न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से संबंधित है, इसलिए उच्च न्यायालय ऐसे अपील को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि ऐसा आक्षेप ब द्वारा सर्वप्रथम अवसर पर प्रथम बार किया गया हो। कह रहा है कि ऐसा आक्षेप ब द्वारा सर्वप्रथम अवसर पर और प्रथम बार के न्यायालय अर्थात सूरत के न्यायालय में विवादक स्थित किए जाने के पहले न उठाया गया हो और जब तक कि सूरत के न्यायालय द्वारा ऐसे वाद के विचारण के परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता न हुई हो। कह रहा है कि तब तक वह परिवर्तित नहीं करेगा जब तक कि जो आक्षेप है वह प्रथम बार के जो न्यायालय है सूरत का न्यायालय है वहां पे विवादक जो स्थित हो रहा है, फैक्ट इन इशू बनाया जा रहा है, उसके पहले उठाया गया हो या उसके फैक्ट इन इशू बनाते समय ही उठाया गया हो। दूसरा कहता है कि न्यायालय को अगर विचारण से यह प्रतीक होता है कि कहीं न कहीं इनजस्टिस हुआ है, न्याय नहीं हो पाया है, तभी वह आक्षेप को स्वीकार करेगा। अब आइए जो है धन संबंधी अधिकारिता के बारे में। कह रहा है धन संबंधी अधिकारिता के बारे में आक्षेप पर एक निर्देशक वाद जो पटना उच्च न्यायालय का है, धन संबंधी अधिकारिता के संबंध में एक वाद है जो पटना उच्च न्यायालय द्वारा डिसाइड किया गया था। वाद कौन सा है, तो कह रहा कि बाबा दाई बनाम मुनेश्वर नाथ AIR 1985 पटना हाईकोर्ट का मामला है, जिसमें पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि जहां धन संबंधी अधिकारिता के बारे में आक्षेप निचली अपीली न्यायालय में नहीं उठाया गया, वहां ऐसा आक्षेप द्वितीय अपील में भी नहीं उठाया जा सकता। धन संबंधी अधिकारिता के बारे में जो आक्षेप उठाने के संबंध में निर्देशक वाद कौन सा है, बाबा दाई बना मुनीश्वर नाथ का। इसमें क्या कहा गया कि अगर धन संबंधी अधिकारिता का आक्षेप अपीली न्यायालय में नहीं उठाया गया तो द्वितीय अपील में भी नहीं उठाया जा सकता। अब आइए जो है 21 हो गया, 21 में के पहला क्या कहता था कि जो कोई भी
अगर जब वाद लाने के स्थान के संबंध में कोई भी आक्षेप है तो पुनरीक्षण या अपीली न्यायालय में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि वह प्रथम अवसर पर जो है और प्रथम न्यायालय द्वारा नहीं उठाया गया हो या विवादक स्थित होता है तो विवादक स्थित करने के समय या पहले न उठाया गया हो जब या न उठाया गया हो और जब तक कि उसके परिणाम स्वरूप न्याय नहीं हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तब उठाया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहला जो आक्षेप है ये लोकल जुडिक्शन या स्थानीय अधिकारिता के संबंध में बताता है, जबकि दूसरा है धन संबंधी अधिकारिता के बारे में बताता है। कहता है किसी न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी परिसीमाओं के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव प्रथम अवसर पर और सभी मामलों में जिसमें विवादक स्थित किए जाते हैं वहां स्थित करने के समय या पहले न उठाया गया हो जब तक कि उसके परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता न हुई हो। और तीसरा खंड क्या कहता है कि किसी निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के आधार पर उसकी सक्षमता के बारे में कोई आक्षेप अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक आक्षेप निष्पादन न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर न किया गया हो जब तक कि उसके परिणाम स्वरूप न्याय की विफलता न हुई हो। इस तरह मैंने आपको 21 बताया। अब आइए देखिए 21 ए क्या कहता है। 21 ए को जो है 1976 में जोड़ा गया था जो है सीपीसी में। तो क्या कहता है कि वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन। कहता है वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन कैसे किया जाएगा। तो क्या कहता है कि वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के वाद का वर्जन धारा 21 ए के अनुसार उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिससे व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन अभिकरण के अधीन या उनमें से कोई दावा करता है। किसी पूर्ववर्ती वाद में पारित डिग्री की विद्यमानता को वाद लाने के स्थान के बारे में कोई आक्षेप के आधार पर प्रश्नगत करने वाला कोई वाद नहीं लाया जाएगा। मतलब कह रहा है कि अगर क्या है कि वाद लाने के स्थान के संबंध में कह रहा है कि उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिससे व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करता है। मतलब कैसा है कि जैसे हम जब पूर्व न्याय पढ़ते उसमें भी ऐसे प्रावधान है कि उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले अगर वही पक्षकार या उनसे व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन कोई अन्य पक्षकार की किसी पूर्ववर्ती वाद में भी पारित डिग्री की विद्यमानता के बारे में वाद लाने के स्थान के बारे में कोई भी आक्षेप प्रश्नगत करने के लिए वाद में नहीं लाया जाएगा। मतलब कह रहा है कि अगर क्या है कि वाद लाने का स्थान के संबंध में पहले वाद में कोई विवाद नहीं किया गया है, कोई आक्षेप नहीं किया गया है, तो बाद में किसी भी पूर्ववर्ती वाद में वही पक्षकार उन्हीं पक्षकारों के मध्य क्या है कोई भी आक्षेप नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अब क्या कह रहा कि 21 एक का स्पष्टीकरण दिया गया है जो पूर्ववर्ती वाद को स्पष्ट करता है। क्या कहता है, पूर्ववर्ती वाद से वह वाद अभिप्रेत है जो वाद के विनिश्चय के पहले विनिश्चय हो चुका है। कह रहा पूर्ववर्ती वाद क्या होता है, एक ऐसा वाद होता है जो वाद के विनिश्चय के पहले ही कोई विनिश्चय हो चुका हो। किसी डिग्री की विद्यमानता का प्रश्न उठाया गया हो चाहे पूर्वतन विनिश्चित वाद उस वाद के पहले संस्थित किया गया हो या वाद में जिसमें कि डिग्री की विद्यमानता का प्रश्न उठाया गया हो। मतलब क्या कह रहा है कि 21 एक में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि पूर्ववर्ती वाद को स्पष्ट किया गया है कि पूर्ववर्ती वाद से तात्पर्य एक ऐसे वादे से है जो वाद के विनिश्चय के पहले विनिश्चय हो चुका हो और किसी डिग्री की विद्यमानता का प्रश्न उठाया गया है तो चाहे पूर्वर्तन विनिश्चय वाद में पहले संस्थित किया गया हो या फिर वो डिग्री की विद्यमानता का प्रश्न उठाए या वाद में जिसमें कि डिग्री की विद्यमानता का प्रश्न उठाया गया है।
इस तरह मैंने आपको धारा 21 और 21 ए बताया। 21 में क्या कहता है कि किसी अधिकारता के संबंध में आक्षेप कब किया जाएगा, और वहीं पर 21 ए कहता है कि वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिग्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन। अगर वाद लाने के स्थान के संबंध में प्रथम बार में कोई भी आक्षेप नहीं किया गया है तो और न्यायालय ने क्या कर दिया उस